ओके तो अब मैं आपको ड्यूक 250 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ। 1 मिलियन की खुशी में बहुत कुछ हुआ। फाइनली गाइज आज मेरा एक और ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। मेरे पास आ चुका है KTM ड्यूक 250 और लिटरली आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाय द वे मेरे को कुछ टाइम पहले ही मिल गया था और ये वीडियो मैं लेट शूट कर रहा हूँ। बाय द वे मेरा ड्रीम बाइक था KTM ड्यूक 390 और जब मैंने रियल में उस बाइक को देखा, लिटरली उस बाइक में इतनी ज्यादा पावर, बस मैं आपको क्या बताऊं। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया 250 लेते हैं। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, सामने फादर साहब बैठे हुए हैं, एक भाई हो रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का सीन है। चाय की चुस्की ये बहुत जरूरी है। जब मैंने अपनी बाइक का डिलीवरी लिया था तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम रील्स पर, तो वहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आज यूट्यूब से इतना कमाता है फिर भी अपने पापा के पैसों से ले रहा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। KTM के साइड में एक और शोरूम था, वहाँ पे मैंने RS 200 देखी और वो भी काफी सही लग रही थी, लेकिन मेरे को तो ड्यूक लेना था। तो उसके बाद ड्यूक देखा और अच्छे से सबको दिखाया, मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ था, पैसा निकाला और दिया, लेकर चल दिए। तो पहले तो मैं उन लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ जो कमेंट कर रहे थे कि भाई पापा के पैसों से ले रहा है इतना कमाने के बाद भी। तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैं जितना भी कमाता हूँ मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, सब घर पे ही देता हूँ। तो पैसा उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को दिलाया काफी मनाने के बाद। तो अब आप सिनेमेटिक शॉट्स देखो। मैंने अपने फैमिली वालों को बोल दिया था कि जिस दिन 1 मिलियन हो जाएंगे उस दिन मेरे को बाइक चाहिए। तो जिस दिन 1 मिलियन हुए उससे अगले दिन मेरे को बाइक मिल गया था और लिटरली उस दिन बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी भाई, अपने पैसों से फर्स्ट टाइम बाइक खरीदा। और भाई प्राउड फील होता है जब खुद की कमाई अपने घर वालों के हाथों में देते हैं और फिर उनसे लेते हैं। बाय द वे मैं अपनी बाइक पर एक टूर भी मार चुका हूं। तो डिलीवरी लेने के 1 या 2 दिन बाद सबसे पहले मैंने इसके मिरर उतार दिए थे, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, और उसके बाद मैंने नीचे की साइड लगवा लिए थे और मेरे को वो छोटे वाले मिरर बहुत अच्छे लग रहे थे। लिटरली ये कंफर्टेबल बाइक है। KTM RC 200 भी काफी सही बाइक है और देखने में भी अच्छा है, बट वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है भाई, दर्द होने लगता है बैक में। और इसकी टॉप स्पीड क्या है वो मैंने अभी तक चेक नहीं किया, लेकिन मैं इसको 125 तक तो लेकर चला गया हूँ। तो अगले दिन मैं उसको लेकर निकल गया बाहर। अब आप खुद देखो क्या किया मैंने। तो कल मेरी ड्रीम बाइक की डिलीवरी हो गई थी और आपने देख ही लिया था, तो आज मैं आपको उसका प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ चलाने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, और आपको सही तरीके से दिखाने वाला हूँ, शायद आपने कल सही तरीके से नहीं देखा होगा। और ये गिफ्ट मेरे को 1 मिलियन पर मिला। मॉर्निंग में क्या सीन हुआ, ये बंदा इसको स्टार्ट कर रहा था और नीचे स्टैंड लगा हुआ था, तो ये स्टार्ट नहीं होती, ये इसमें बहुत अच्छी बात है। आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट। तो मेरी हाइट है 5.8 फीट, तो इसमें मेरे पैर पूरे नहीं आते भाई, सीरियसली। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से बैठ गया, अब देखो पैर मेरे पूरे नहीं आ रहे, यहाँ पे इस तरीके से उठे रहते हैं मेरे पैर, पूरा रखूंगा तो इधर से उठ जाएगा, देखो इधर से इतना पैर उठ जाता है। अभी जुनेद भाई आपको ब्रेकिंग सिस्टम चेक करके दिखाने वाले हैं भाई, इसका कितना भी स्पीड से ब्रेक लगाओ ना आप ये बाइक बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी। सो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो ये बाइक कितनी स्पीड से थी भाई, भाई लगभग 80 तो चली गई थी, यहाँ से 80 पकड़ लेती है थोड़ी सी दूर में। आप इसका यहाँ से कलर देखो, ये मेरे को लिटरली बहुत प्यारा लगता है भाई, सही लगता है ना, सही में अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू भाई। और यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, ये भी अट्रैक्टिव दिखता है, और ये ऑरेंज मेरे को पसंद आया, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर ओपन होट, खोल के देखें क्या? चलो छोड़ो। ओके तो अब मैं आपको ड्यूक 250 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखो भाई सबसे बड़ी तो बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो नीचे की साइड से, पहले मैं नीचे कैमरा लेके जाऊँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा शायद, ये कभी कभी इसका नीचे लग जाता है, अगर कोई ब्रेकर है बहुत तगड़ा सा तभी ये नीचे लगेगा, थोड़ी बहुत लग जाती है कोई दिक्कत नहीं है। और आपके लिए हो सकता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो ड्यूक 250 की। वीडियो बनाते बनाते पानी की प्यास लग गई, तो पहले पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी पी के तो आ गए भाई, मजा आ गया। और ये खड़ी अपनी ड्यूक, की खुशी में बहुत कुछ हुआ। अब्दुल कादिर जी हमारे साथ हैं, मिलने के लिए आए थे 1 मिलियन पर, उन्होंने दुआ भी की थी हमारे लिए कि आपके 1 मिलियन जल्दी हो जाए, तो मेरे लिए एक तोहफा भी लेकर आए, पढ़ के सुनाइए। हदिया पुरखलूस व मुबारकबाद, बमौका 10 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल, यूट्यूब चैनल जुन्नू की टेक, बखिदमत आली जनाब लाखों दिलों की धड़कन, भाई मोहम्मद जुनेद थानवी यूट्यूबर मोटिवेशनल जुन्नू की टेक चैनल को हदिया पेश करते हैं, मिन जानिब मौलाना अब्दुल कादिर कासमी, तिब्बे कासमी चैनल। सपने देखो और मेहनत,
करो एंड अचीव कर लो। अगर आप किसी चीज के लिए दिल से मेहनत करते हो लिटरली वो आपको मिल ही जाता है, वो आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी, बस आपको मेहनत करते रहना है। मैं आपको बता देता हूँ आगे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, लंबे लंबे टूर मारेंगे अब,